पेन इतना ज्यादा हो रहा है कि उन हॉगिंग खाने का मन भी नहीं कर रहा है। क्या होगा, आपको खुशी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही सोच रहा था कि यार रिवील होने वाला है। मेरे बॉय होगा कि गर्ल होगा, स्टमक पेन स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लड आने लगा, मे बी शायद लेबर पेन स्टार्ट होने के सिम्टम्स है। मुझे एकदम से रात में लेबर पेन स्टार्ट हुआ। हम लोग डिनर वगैरह कर चुके थे और मैंने मॉर्निंग में भी खाना बनाया, शाम में भी बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड उसके बाद एकदम से पेन स्टार्ट हो गया, तो तुरंत हम लोग भागे। वो तो अच्छा हुआ हॉस्पिटल वक्त जो पहले से प्रिपेयर रखा हुआ था, तो बस उसे उठाना था और झाड़ना था, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने प्रिपेयर कर लिया था तो थोड़ा डस्ट आ जाती ना। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर कॉलोनी के और देखते हैं कि क्या होगा। और फाइनली हम लोग हॉस्पिटल के बाहर पहुँच गए हैं, अभी तक सब तो ठीक लग रहा है, बट आगे देखते हैं कि क्या होगा। एंड सॉरी फ्रेंड्स कि ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा लेट जा रहे हैं, बिकॉज आप लोग समझ सकते हैं कि मैं ऑलरेडी पेन में थी और अब बेटर फील हो रहा था, मैं अब ब्लॉग्स को एडिट कर रही हूँ। अभी हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं और बस ही बैठे हुए हैं, एडमिट करने का टाइम आ गया। जैसे ही मैं इस स्ट्रेचर पर बैठी तो एकदम से घबराहट भी हो रही थी, हो क्या होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो कुछ आता पता होता नहीं है। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स सब आए, मेरी भी फ्रेंड्स लोग आई हुई हैं, तो सब बातें करें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हाँ ये कौन है ये कौन है, और मेरे तो घबराहट बढ़ रही है, मैं बैठी हूँ होने क्या वाला है। और यहाँ पे एक वो क्या बोलते हैं स्टाफ मेम्बर कोई आ गए हैं जो वैक्सीन इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब चेकअप करें हाँ टाइम आया भी है या नहीं, ऐसे फॉल्स लेबर पेन है, तो बस वही सब हो रहा है। मैं देख रही हूँ बस क्या होने वाला, क्योंकि डर भी रहता है ना, और इतनी बड़ी बड़ी सिरिंज देख रही हूँ तो क्या बताऊँ। और उन्होंने यहाँ पे वीगो लगा दिया है और ग्लूकोज चढ़ रहा है, बाकी तो बस देखते हैं और आप लोग भी देखते रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ मैं लेटी हुई हूँ, मतलब कैसा लग रहा है, क्योंकि अब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो बेबी हो गया है और इसमें पेट में है बेबी, तो मतलब अलग ही वाली फीलिंग आ रही है कि ये बेबी कैसे था, इतना मतलब बड़ा बेबी पेट में कैसे था। तो ऐसा फनी भी लगता है, बट चलो अच्छा हुआ सब कुछ अच्छे से हो गया। और यहाँ पे हम लोग अब रात भर के लिए आए थे, यहाँ पे लेबर रूम नहीं है, बस ऐसे ही वेटिंग रूम टाइप यू कैन से है, तो मैं वहीं वेट कर रही हूँ, क्योंकि भी लेबर पेन जैसा उनको चाहिए वैसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बस रात ऐसे ही गुजरी थी, मतलब हल्का हल्का पेन आ रहा था और ज़्यादा नहीं आ रहा था जैसा चाहिए था, तो बस रात धीरे धीरे ऐसे कट गई जैसे तैसे। और फिर मुझे रात में भूख लग गई, तो मेरे हस्बैंड ये एप्पल वगैरह काट के मुझे दे रहे हैं, क्योंकि अभी बेबी नहीं हुआ तो हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, एंड उसके बाद सोचना पड़ता है ना कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ, तो बस वही हम खाने जा रहे हैं। इस टाइम तो एप्पल भी ठीक से खाया नहीं जा रहा है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या होने वाला है। और हाँ, दूसरी बात, मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है कि ब्लॉगिंग जो है ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई है, बिकॉज़ क्योंकि आप लोगों को पता ही ब्लॉगिंग मोस्टली मैं ही करती हूँ, और मैं ऐसे पेन में हूँ तो कौन ब्लॉगिंग करेगा, क्योंकि हस्बैंड अकेले हैं तो वो इधर उधर का काम देख रहे, पेपर वर्क वगैरह और जो भी होता है ना, इतना सारा भाग दौड़ होती है, तो वो सब मैनेज कर रहे थे, और बाकी मैं ठीक से उल्टा सीधा जैसे भी है वो ब्लॉगिंग कर ली। रात भर मेरे बॉडी में पेन हुआ है, बट इतना ज़्यादा पेन नहीं पड़ा जितना मतलब लेबर पेन में होना चाहिए, तो डॉक्टर ने वो इंजेक्शन ग्लूकोज में फिल कर दिया है और वही लग रहा है चढ़ रहा है। तो अभी बैक पेन तो नहीं आया, बट पेट दर्द होना स्टार्ट हो गया है, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि रात भर तो पेट दर्द हुआ ही है। मतलब मुझे कल दोपहर 2 बजे से स्टमक पेन हो ही रहा था कंटिन्यू, तो वही हम लोगों ने बताया डॉक्टर को फ़ोन करके, तो उन्होंने बोला ठीक है एडमिट हो जाओ कि देखते हैं क्या कंडीशन है, तो एडमिट हो गए। और अभी तो सुबह के आई थिंक कितना बज गए हैं, 7 या 8 बज गए हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं कितना पेन होगा। पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि उन हॉगिंग करने का मन भी नहीं कर रहा है, और बस मेरे हस्बैंड ही रात में रुके थे क्योंकि एक ही लोगों अटेंडेंट को रुकने का अलाउड था, बस मैं ही हूँ, देखते हैं कब क्या होगा। बट हाँ, दूसरी तरफ एक्साइटमेंट भी है बेबी को देखने की, ये कैसा होगा क्या होगा, और डर भी है नॉर्मल होगा ये ऑपरेशन होगा, क्योंकि क्या मैं बताऊँ, अभी तक बेबी ने हेड डाउन ही नहीं किया है, लास्ट मोमेंट में बेड पे हूँ बट फिर भी अभी भी उसने हेड डाउन नहीं किया है, तो ये डॉक्टर कह रही है ये तो बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या होगा।
जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे ही मेरे जो कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने कंबल वगैरह ओढ़ लिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ठंड लग रही, मतलब ज़्यादा नहीं लग रही बट फिर भी सब लोग बोले थे नहीं ओढ़ लो। मैं हॉस्पिटल में कल रात में 9 बजे एडमिट हो गई थी और पूरा रात भर पेन रहा, मतलब हल्का हल्का था, बेयरेबल था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस हाँ आ रहा था तो हो रहा था। एंड उसके बाद फिर मॉर्निंग से तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मॉर्निंग दोपहर सब कुछ हो गया, अभी तो पसीने बहुत आ रहे हैं, बोला है लोगों ने पूरा बॉडी कवर करके रखा है, तो मैंने ये स्कार्फ बांध लिया है और चादर ओढ़ लिया है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाई, और गर्मी लग रही है। बस तो उन्होंने बोला है फुल बॉडी कवर कर लो बट इतना नहीं हो पाएगा, पसीने ऑलरेडी आ रहे। और हाँ आप लोगों को मेरे वॉइस ओवर के साथ साथ बेबी की भी आवाज़ आ रही होगी कि उसको भी कोल्ड हो गया है। अभी बेबी की डिलीवरी हो गई है और मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, बट बेबी को अभी नहीं दिया है क्योंकि उसने मतलब बाहर आते ही वॉमिटिंग कर दिया था, तो इसी वजह से बोला है डॉक्टर ने कि इसको आज रात भर वहीं रखना पड़ेगा, नर्सरी वगैरह कुछ होता है वहाँ पर, और मुझे तो शिफ्ट कर दिया है। बस मैंने बेबी की बस छोटा सा मतलब एक झलक देखा था, बस अब पता नहीं कैसा है क्योंकि ज़्यादा देर देखने नहीं मिला ना, गोदी भी मैंने नहीं लिया था, एक्साइटमेंट तो है ही, पता नहीं रात भी कैसे गुजरेगी, इंतजार में। देखो मेरी जेठानी आई हैं, मेरे हस्बैंड अभी घर गए कुछ सामान वगैरह लेने के लिए जो ज़रूरत की है, बेबी नहीं है पास में, तो उन्होंने तो देखा भी नहीं ना, भाभी नहीं देखा ना उन्होंने तो देखा भी नहीं है, मैंने तो चलो थोड़ा सा देख लिया था, उसे ज़्यादा नहीं देखा था, बस वो डॉक्टर हाथ में लिए थे तो मैंने थोड़ा सा देख लिया और उन्होंने दिखा दिया और उसके बाद फिर वो लेके चली गई, देखा था बस मैंने उसकी हेयर्स वगैरह थे काफ़ी, बट इतना ही देखा, मतलब बस इतना ही देखा। देखो कब मिले, कल का वेट करना पड़ेगा, रात भर तो लगता नींद ही नहीं आएगी।